नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ईवी एक्सपो लगा हुआ है। जी हाँ, ईवी एक्सपो लगा है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी आने वाला है उससे रिलेटेड इस एक्सपो में शोकेस हो रहा है। तो सपोज आप इस फील्ड में चाहते हैं कुछ करना, किसी भी तरह का कोई काम करना, तो ये एक्सपो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट टूर देने वाला हूँ एक्सपो का। ईवी एक्सपो में अभी क्या क्या है, किस तरह का टेक्नोलॉजी है और कौन कौन सा प्रोडक्ट आने वाले समय में आ रहा है, तो पूरे डिटेल में होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्सपो जो है 14 से 16 सितंबर 2023 तक चलने वाला है। जी हाँ, और ये चल कहाँ रहा है, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। और इसके नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो मैं आपको बताऊं तो नॉलेज पार्क 2 है, और वहां से आप वॉकिंग होके यहां पे आ सकते हैं। तो देखिए, एक एक्सपो में आना ना आने वाले समय के टेक्नोलॉजी को के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सपोज क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, इसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। साथ ही इस एक्सपो में आने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा पाते हैं या अपने कि आपको इस सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन पॉइंट है जहाँ से आप इस एक्सपो का रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो अभी मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। और जो कंपनी है ना वो आप देख सकते हैं इस पे 2023 में ईवी इंडिया में कौन कौन सा कंपनी आई है, तो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी के स्टॉल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही पहले आप स्टॉल को देख रहे हैं जहाँ पे कि मेटल क्राफ्ट है, ये ईवी से रिलेटेड या ऑटो व्हीकल से रिलेटेड पार्ट बनाते हैं और इसका इन्होंने शोकेस किया हुआ है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्टॉल दिखेगा। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक पाइप कटिंग मशीन यहाँ पे है, तो सपोज ईवी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता होगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टॉल आपको इस ईवी में दिखेगा, बहुत सारा स्टॉल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये कंपनी आप देख सकते हैं पीवी इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे मुझे जो दिखता है ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड स्टॉल है जहाँ पे इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोकेस किया हुआ है। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी स्टॉल आपको इस ईवी एक्सपो में दिख जाता है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इस एक्सपो में आकर आप अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में या ईवी के क्षेत्र में, उसका एक ओवरव्यू मिलता है। सपोज आप चाहते हैं कि चार्जिंग स्टेशन का आपको बिजनेस करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कि बैटरी का स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी आप लेड एसिड बैटरी देख रहे हैं, तो इधर से लिथियम बैटरी का भी इन्होंने लगाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे इस तरीके का ऊर्जा का इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लगा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एस ई वी का आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखता है जो कि टाटा का शोकेस किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा स्टॉल है जहाँ पे आप देखेंगे कि फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको उसमें बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स वगैरह शोकेस करें, दैट मीन्स कि ये पार्ट्स बनाते होंगे या LED इसके जो लाइट्स हैं वो सारे चीज़ों में डील करते होंगे। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसे लिथियम आयन से रिलेटेड यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी असेंबली की ये यूनिट है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आकर आपको ये पता चलता है कि आप लिथियम आयन बैटरी
का यदि बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका मशीन किस तरीके का होने वाला है और किस तरीके से आप आने वाले समय में ये काम करेंगे, तो इसी तरीके का एक शॉर्ट व्यू आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे आपको कंपनी आने दिखता है जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये देखिए, ये जो मोटर का है जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है, उसका शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है और कंपनी का नाम है फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि यहाँ पे अपने मोटर का शोकेस कर रही है। अब देखिए, यदि आपको चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कुछ करना है तो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन का भी स्टॉल दिखता है। और ये आने वाले समय का पेट्रोल पंप है, जो मैं बार बार भी बोलता हूँ आपको, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिस हिसाब से सेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उस मामले में आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन का स्टॉल है जो कि चार्जिंग स्टेशन इक्विपमेंट ही सप्लाई करती है। इसी तरीके से आप यदि चाहते हैं कि इसका चार्जर बनाएं तो इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं जो कि सिर्फ चार्जर बनाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरी बनाती है और उसका ये यहाँ पे स्टॉल आपको देखने को मिलता है। ये एक्सपो आपको काफ़ी बड़ा और काफ़ी, देखिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग, जैसे ई फ्यूल है, अब ये भी चार्जिंग स्टेशन के लिए अपना इक्विपमेंट बनाती है। तो सपोज़ ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। तो यूजली होता ये है कि जब आप इस तरह के एक्सपो में आते हैं, इस तरह के एक्सपो में आकर आपको एक बृहद में आइडिया मिलता है कि आप अपने बिजनेस को यदि ईवी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप एक ईवी एक्सपो या इस तरह के आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई एक्सपो है तो उसमें आकर अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए किस तरीके से इन सब कंपनी या सप्लायर से जुड़कर या मैन्युफैक्चरर से जुड़कर अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा ये शॉर्ट टूर आपको, ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।